बिहार में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले देश के गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने कोरोना के साए में वर्चुअल रैली के माध्यम से चुनावी शंखनाद किया, जिसे बिहार जनसंवाद रैली का नाम दिया गया। हालांकि अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि इस रैली का चुनाव से संबंध नहीं है, किसी राजनीतिक दल के गुणगान से संबंध नहीं है, लेकिन शाह की रैली का पूरा भाषण मोदी सरकार के गुणगान और चुनाव पर ही केंद्रित रहा। इसके साथ ही तमाम कयासों पर लगाम देते हुए अमित शाह ने ये भी दोहराया कि एनडीए अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2/3 बहुमत के साथ जीतेगा। इससे पहले आरजेडी ने थाली और लोटा बजाकर अमित शाह की रैली का विरोध भी किया। जानिए अपनी इस वर्चुअल रैली में अमित शाह ने क्या क्या कहा पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट में। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश में हुई पहली वर्चुअल चुनावी रैली में अमित शाह ने कहा कि बिहार की भूमि से दुनिया को लोकतंत्र की जानकारी मिली। इस भूमि ने हमेशा भारत का नेतृत्व किया। आजादी की लड़ाई में बिहार के जननायकों के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। राम मनोहर लोहिया को याद करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की भूमि ने ऐसे लोग दिए हैं जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया है। शाह ने कहा कि यह रैली कोरोना महामारी के समय बीजेपी के जनसंपर्क के संस्कार को बताने के लिए है। यह चुनावी रैली नहीं है, बीजेपी के गुणगान की रैली नहीं है, बल्कि यह रैली आत्मविश्वास से भरपूर आत्म भारत बनाने की रैली है। अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण ही देश कोरोना के खिलाफ सफलता से जंग लड़ रहा है। पूरा देश कोरोना के खिलाफ मोदी के साथ है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जब जब भी बिहार की जनता के बीच झोली लेकर आए, बिहार के लोगों ने उन्हें पूर्ण बहुमत दिया। पीएम मोदी की नीतियों से करोड़ों गरीबों के जीवन में प्रकाश आया। इसका सबसे ज्यादा लाभ पूर्वांचल बिहार के लोगों को मिला, जहां 20,000 गांव और 2.5 करोड़ गरीबों के घर बिजली पहुंचाई गई। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आरजेडी पर व्यंग्य कसते हुए कहा कि लालटेन का जमाना जा चुका है, अब एलईडी का जमाना आ गया है। मोदी सरकार ने 2.5 करोड़ लोगों को घर दिया, भारत का सम्मान दुनिया में बढ़ाया। एक जमाना था जब दुश्मन सरहद में घुस जाता था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अब सर्जिकल स्ट्राइक होती है। कई ऐसे मसले थे जिन्हें कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। मोदी सरकार ने धारा 370 को समाप्त किया, ट्रिपल तलाक कानून लाकर मुस्लिम महिलाओं को सम्मान दिया, राम मंदिर का निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ, सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल से शरणार्थियों को नागरिकता दी, 25 करोड़ घरों तक स्वच्छ जल पहुंचाया, किसान सम्मान निधि से 72,000 करोड़ रुपया किसानों के अकाउंट में डाला। जनता कर्फ्यू का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि यह दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। यह पहली ऐसी राष्ट्रीय महामारी है जिसको सरकार के साथ साथ जनता भी लड़ी। 130 करोड़ लोग एकजुट हुए। वही गृह मंत्री ने मजदूरों का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार का पसीना देश के विकास की नींव में है। मोदी सरकार ने 11,000 करोड़ मजदूरों के भोजन के लिए दिए, मजदूरों को उनके घरों तक पहुँचाने का काम किया। रेलवे में 85% खर्चा मोदी सरकार ने उठाया। अमित शाह ने कांग्रेस और विपक्ष से पूछा कि उन्होंने क्या किया। 1.25 करोड़ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना आसान काम नहीं था, यह बहुत बड़ा प्रयास था। विपक्ष के समय भी आपदाएं आईं, लेकिन एक भी आपदा ऐसी बताएं जब बिहार के लोगों के अकाउंट में 5,700 करोड़ रुपए आए हों। अमित शाह ने केंद्र की उपलब्धियों को गिनाते हुए बिहार की नीतीश सरकार की खूब सराहना की। शाह ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार में जंगल राज से जनता राज तक पहुंचाया है। इसके साथ ही तमाम कयासों पर लगाम देते हुए यह भी दोहराया कि एनडीए अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2/3 बहुमत के साथ जीतेगा। विपक्ष द्वारा रैली का विरोध करने पर उन्होंने तंज किए तथा रैली के राजनीतिक होने से इनकार किया। जहां एक और रैली में अमित शाह ने बिहार के गरीब मजदूर व अन्य वर्गों के लिए किए गए मोदी सरकार के कार्यों को गिनाया, वहीं आरजेडी नेताओं ने कहा कि मोदी और नीतीश सरकार ने गरीबों और मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। मोदी सरकार कोरोना संकट के इस काल में पूरी तरह विफल रही है। आरजेडी ने आरोप लगाया कि समस्याओं का समाधान होने की बजाय लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। आरजेडी नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में थाली बजाकर रैली का विरोध किया। बिहार जनसंवाद रैली के पहले इसके विरोध में आरजेडी ने पूर्वान 11 बजे थाली बजाई, तो रैली के विरोध में कांग्रेस ने काला दिवस मनाया तथा काले गुब्बारे उड़ाए। यही नहीं, वामपंथी दलों ने भी विश्वासघात व धिक्कार दिवस मनाया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि डबल इंजन सरकार में गरीब भूखे हैं, बिहार में हाहाकार मचा है, ऐसे में डिजिटल रैली का इस्तेमाल कोरोना संक्रमण के काल में परेशान जनता की सहायता में करना चाहिए था। उधर आरजेडी द्वारा अमित शाह के कार्यक्रम के विरोध में जेडीयू कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने ताली बजाई तथा आरजेडी व लालू परिवार के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए। बता दे, अपने टाइम पर ठीक 4 बजे शुरू हुई रैली को
बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी सहित बिहार के अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। भाजपा का दावा रहा कि यह वर्चुअल रैली देश की सबसे पहली और सबसे बड़ी रैली है। इसके माध्यम से लाखों लोगों से संवाद किया गया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।